कि नेता हो चाहे जैसे मगर है कमाल के, और लाते हैं विश्व बैंक से पैसा निकाल के। तालियां चौथी पंक्ति में झूम के उठें, जो लोग ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। कि नेता हो चाहे जैसे मगर है कमाल के, लाते हैं विश्व बैंक से पैसा निकाल के और नीलाम करके देश को। नेताओं ने कहा इस देश को रखना मेरे बच्चों समान। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब बलरामपुरी के लिए हो जाएं। बहुत अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया। और आए इसके बाद मैं थोड़ा और दूर का सफर आपका करवाना चाहता हूं। नैनीताल से हमारे बीच में पहली बार पधारे भाई मोहन मुंतजिर, जो पूरे देश में बड़े मन के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े आनंद के साथ सुने जाते हैं, उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं भाई मोहन मुंतजिर साहब माइक पर आए और अपने कलाम से इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां दें। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई मोहन मुंतजिर नैनीताल माइक पर। ऊंचा कर लो, अगली बार से दो ईंटा रखवाएंगे, कभी छोटा करें कभी नीचे, माइक छोटा पर है माइक के नीचे। बहुत शुक्रगुजार हूँ अकमल भाई का। आज गला बहुत मुतासिर है मेरे भाई, कोशिश करूंगा कि अगर आपने साथ दे दिया तो 10 मिनट आपकी खिदमत कर पाऊं। आज इस मुशायरे में अली खान साहब ने जहांगीर भाई की तारीफ में कुछ कहा, लेकिन कुछ और बात है जहांगीर भाई की तारीफ में जो मैंने महसूस किया, मैं इनके साथ रहा भी हूँ, कि इन्हें दिल्ली सरकार और बिहार सरकार की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया है। ये खासियत है साहब की, ये ना समाज सेवा, समाज सेवक है। अपनी जेब से पैसा खर्च करके गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके गरीब लड़कों को पढ़ाते हैं। मेरा मन है कि एक बार अकमल भाई साहब के लिए और जहांगीर साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं शुरू करूँ, ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है हमारे समाज को। अच्छा, यहाँ मेरे जितने नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता चलूँ कि जितनी देर में माइक पर हूं, अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओगे। सदरे मोहतरम की इजाजत लेते हुए चार चार मिसरों से अपनी शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूं इस दरखास्त के साथ कि आज के बाद कभी भी मोहब्बत में किसी भी लड़की के आगे गिड़गिड़ाना मत। बहुत अच्छा पढ़ के गई थी हिना अंजुम जी, अभी शुरू में आई थी नाजुम ने, बहुत अच्छा पढ़ा आपको, मोहब्बत के ख्वाब दिखाए। मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, चार मिसरे पेश करता हूँ। बैठ जा भैया। जो मैं पीछे पड़ा होता, मन से साथ देना तो मन से सुना पाऊंगा, गला मेरा भी साथ नहीं दे रहा। जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती। मोहन भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। अभी कुछ लोग खामोश हैं, यकीन मानेगा मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। चार मिसरे और पेश करता हूँ, समाज कीजिएगा। मुझे देखेगी जब पल के झपक ना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदे तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदे तो सोना भूल जाएगी, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी, मोहब्बत एक बात मैं आपकी खिदमत में और अर्ज करता चलूं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। अगर आपको इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। बहुत अच्छे भाई मोहन भाई, बाबा। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। अगर माँ बाप के लिए किसी को भी छोड़ना पड़े संकोच मत करना। चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा। यहाँ से मैं शुरू होना चाहता हूँ, वहां से आप शुरू। बहुत अच्छे मोहन भाई। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं,
उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां घर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां घर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। एक बात मैं आपकी खिदमत में और अर्ज कर दूं के नहीं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मेरा एक दोस्त था मेरे भाई, मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। जब मैंने अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब ये चार मिसरे मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। कुछ मत ले जाना यहाँ से, चार मिसरे अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा, सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी बहुत अच्छा। दोबारा पढ़वा दे तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा मोहन भाई, एक बार और। मेरा यकीन जानिएगा, मैं आपको वो सुना के जाऊंगा जो आपने आज तक मुशायरों में नहीं सुना। थोड़ा सा मेरा साथ देना, मैं आपको एकदम, आप बहुत पुराने, आप बहुत बहुत पहले से मुशायरा सुन रहे हैं, आप इस बात को जानते हैं कि मैं बिल्कुल नया सुना रहा हूं, लेकिन थोड़ी हिम्मत देना, मैं नया पढ़ रहा हूं, मैं चार मिनट फिर पढ़ता हूं, सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। आइए मैं आपका वो सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल आपका वक्त मैं जाया नहीं करना चाहता, जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा कहा। जितने मेरे यहाँ बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, मुस्कुराते इस खत को सुन लीजिएगा, याद कीजिएगा अपना वो दिन जब आपको पहली बार किसी से मोहब्बत हुई थी, और वो लड़की उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, और मजे की बात है कि उसी लड़की से आधे मोहल्ले के लड़कों को मोहब्बत हो जाती है। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, या कलेक्टर बन जाते हैं, या चेयरमैन साहब बन जाते हैं। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात कह देते हैं, उसको वो उनको उनको वो लड़की इनकार कर देती है। वो आधे लड़के जिनको वो लड़की इनकार कर देती है, वो या तो शायर बन जाते हैं, या फिर मुशायरा सुनने वाले सामाई। उस वक्त एक गुस्सा आता है साहब, मैंने अपने गुस्से को एक खत में तब्दील कर दिया। आप अपने गुस्से को तालियों में तब्दील कर दीजिएगा। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर, और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मेरा यकीन करना, ये खत धीरे धीरे जवान होता है। हम जब पहली बार किसी को खत में लिख कर भेजते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उस खत को वो चार टुकड़ों में वापस आपकी तरफ उछाल देता है। उस वक्त उस खत में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये लिखकर भेजा होता कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। नज़्म का दूसरा बंद पेश करता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तनहा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।
और यकीन मानना या जितने मेरे नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, इस नस्ल के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस खत के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा। नज़्म का अगला हिस्सा पढ़ता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोच कर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। अच्छे मोहन भाई, वाह वाह वाह। इस नज़्म की तमहीद में मुझे जितने बंद पढ़ने थे मैंने पढ़ दिए। आइए, जिन बंदों के लिए मैंने पूरी नज़्म गई, मैं आपसे दावा करता हूँ कि अब एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। नज़्म का ये बंद मैं अपने बुजुर्गों के हवाले से अपने नौजवान भाइयों की नज़्म करता हूँ, उनकी नसीहत के करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। नज़्म का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ, लेकिन इस बार मेरी आपको दरखास्त है कि इस बार अपना ये शोर अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। अपनी जिंदगी का दर्द पढ़ना सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो। ये सब चाहते हैं कि मोहब्बत न हो, और जो ये नहीं चाहते अभी घर जाके यही करेंगे। मेरे भाई, मैं असल में क्या कि आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, मुझे नहीं पता था कि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन मेरे भाई यकीन मानना तुलसीपुर वालों, आज मैं खुददारी देकर नहीं, आज मैं आप लोगों से खुददारी लेकर जा रहा हूँ, मैं कुर्बान जाऊँ आप पर। एक बार आप सब अपने लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने 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 मुझे खोलने की कोशिश की। आइए, मैं एक गजल का एक मतलब, दो शेर, फिर आपको एक गीत सुनाता हूँ, लेकिन जब गीत सुना तो उसी तरह झूम के सुनना जैसे मैं आपको सुनाऊँ। सुनेगा गजल का मतलब, दो शेर उस गीत की तमहीद में। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, एक वादे के साथ मेरे भाई, कुछ ले जाना बस, एक खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। यार बहुत हो गया लड़कियों के आगे पीछे चक्कर लगाना, यार हमने क्या लड़कों ने ठेका ले रखा मोहब्बत में बर्बाद होने का। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, हम हद से मोहब्बत को गुजरने नहीं देंगे, हम
हद से इस शेर पे जितने मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ इस बार उनका कैसे हाथ खामोश रहता है। सुनेगा, पढ़ने के अभी दिन है मेरे करके मोहब्बत, पढ़ने के अभी दिन है मेरे करके मोहब्बत, पढ़ने के अभी दिन है मेरे करके मोहब्बत। माँ बाप के ख्वाबों को बिखरने नहीं देंगे, माँ बाप के ख्वाबों को बिखरने। एक शेर पढ़ता हूँ, इस शेर में मुझे अपने कुछ दोस्त याद आते हैं, आपको भी अपने कुछ दोस्त याद आएंगे। अगर आपको इस शेर में अपने कुछ दोस्त याद आ जाए तो उन कमबख्त दोस्तों के लिए तालियां बजा देना। ये यहाँ पे वो मेरा कंबक दोस्त मुजीब भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। सुनेगा, मैं शेर पढ़ता हूँ। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, अपने दोस्त के सम्मान में ताली बजा देना। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में। कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे, कुछ दोस्त सुधरने। एक शेर पढ़ता हूँ साहब, अगर आज के बाद कोई आपसे इजहार करे, जी मैं पढ़ता हूँ, आज के बाद अगर आपसे कोई इजहार करे तो पहले ये शेर सुना देना। आप पहले इजहार मत करना वरना मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा तुलसीपुर में। अगर कोई आपसे पहले इजहार करे तो ये शेर सुना देना, मैंने इससे बड़ा खुददारी का शेर नहीं कहा। दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, बहुत अच्छे मोहन भाई। दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर। फिर प्यार किसी और से करने नहीं देंगे, फिर प्यार क्या। आइए आप इसके इंतजार में गीत पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा साथ देना, जैसे तुलसीपुर वाले गीत सुनते हैं। पहली बार इस गीत को मैं पढ़ रहा हूँ, यकीन मानिए आपकी मोहब्बतें। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मैंने पहली बार गीत पढ़ रहा हूँ। सुनेगा दादा विकास भैया, एक बार विकास बोकल साहब के जोरदार तालियां बजा दे, बहुत मुश्किल से मुशायरा चला रहे, जैसे ये चलना नहीं चाहिए था। सुनिएगा, मैं गीत पढ़ता हूँ लेकिन पहली बार पढ़ना, मुझे हिम्मत देना। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार। जब तक आप ताली नहीं बजाओगे सारा पंडाल यही पंक्ति दोहराता रहूंगा। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार। अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस लेगी। मोहब्बत कुर्बान जाऊं आपकी, ये गीत अगर सुनना सीखना है तो तुलसीपुर वालों को सुनो। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। पड़ेगी तन्हाई की मार, पड़ेगी तन्हाई की मार, खफा हो जाएंगे सब यार मोहब्बत डस लेगी। मोहब्बत मेरा यकीन मानना, जब ये मोहब्बत डस लेगी आएगी तब आपको अपना शोर उठाना है, मैं गीत पढ़ पाऊंगा। मोहब्बत डस लेगी, गीत का बन हाजिर करता हूँ, सुनेगा। पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी, पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी। दीवाने जब हो जाओगे पागल खाने भिजवाएगी। हकीकत है ये बरखुरदार, हकीकत है ये बरखुरदार, तजर्बा बोल रहा है यार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस ले। अगला बन पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जब यादें पर लहराएगी, नींदें तेरी उड़ जाएगी, जब यादें पर लहराएंगी, नींदें तेरी उड़ जाएंगी। जागोगे रातों को उठकर आंखें दुखने लग जाएंगी। बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार, बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार, लगोगे चेहरे से बीमार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस। इस गीत का सच्चा बंद पढ़ता हूँ लेकिन मेरा साथ देना, उसके बाद वो बंद पढ़ूंगा जिसके लिए मेरा गीत का है। सुनेगा, पीछे उसके पड़ जाओगे,
अपने अपने गरेबाज में जाके और आज के बाद छोड़ देना ये जो मैं पढ़ रहा हूँ। पीछे उसके पड़ जाओगे, जिद पर अपनी अड़ जाओगे, पीछे उसके पड़ जाओगे, जिद पर अपनी अड़ जाओगे, एक लड़की की खातिर अपने घर वालों से लड़ जाओगे, तबाह हो जाएगा घर बार, तबाह हो जाएगा घर बार, लुटा बैठोगे कारोबार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस ले। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जैसा ये गीत को आपने पहली बार सुना, अब यकीन मानिए आपकी बूते पर हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। इस गीत के आखिरी बंद पढ़ता हूँ, जैसे आपने इस्तकबाल किया था वैसे विदा करना, सुनिएगा एक जिंदगी की सच्चाई पढ़ता हूँ। ये इस गीत का बंद, इसकी तरफ पूरी उंगली मेरी तरफ उठती है, सारी उंगली मेरी तरफ उठती, बस एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि एक मोहब्बत की ताली बजती है साहब, उस ताली में एक शोर उठता है और उस शोर का जिम्मेदार सिर्फ एक हाथ को ठहरा दिया जाता है। वो लड़का जिसने एक लड़की के लिए अपने माँ बाप से बगावत कर ली, पूरी दुनिया से लड़ाई कर ली, दोस्तों को खफा कर लिया साहब, फिर एक 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 रात आती है, उस रात में एक फैसला होता है और उस लड़की की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। वो लड़का एकदम अकेला रह जाता है, इससे पहले कि वो लड़का, जब एक अकेला लड़का आपको दिखाई दे और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो अपने साथ कुछ गलत करे, तो मेरे भाई एक बार उसके कंधे पे हाथ रखना और उसके कानों पे मुस्कुराकर कहना कि मोहब्बत डस लेगी। गीत का आखिरी बंद पड़ता हूं, सुनेगा अपनी जिंदगी का दर्द। हसरत ना गिनसी होती है, हरकत ना गिनसी होती है, हसरत ना गिनसी होती है, हरकत ना गिनसी होती है, ए यार हसीनाओं की भी फितरत ना गिनसी होती है, पिलाओ दूध भले हर बार, पिलाओ दूध भले हर बार, करो कितना भी इनसे प्यार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, बने रहना लड़कों खुददार, इस बार मेरे साथ बोलना, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार, मोहब्बत डस लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।